डायगोनल ब्रेसिंग छह प्रकार की होती है, तो टोटल कितना आधार में बिठाने के लिए ये लिखा गया है ब्रेसिंग डी, ब्रेसिंग मतलब बांधने वाली, उसको जोड़ने वाली चीज है, डायगोनल में जोड़ेगी 18, इसलिए लिखा जाता है कि 1800 ब्रेसिंग फ्रेम के साथ लगेगी, क्लियर है। और कौन से टावर में लगेगी 225, 2250 आयताकार टावर में लगेगी, और फ्रेम कौन सा 1800, लंबाई 2835 mm, कलर कोड रेड और क्लियर। ये हमारी के ये लिखा गया है ब्रेसिंग डायगोनल है 12.25, 1200 बेसिक फ्रेम के साथ लगेगा और वहीं आयताकार टावर में लगेगा, और लंबाई 2505, कलर कोड रेड और रेड, और ब्रेसिंग डायगोनल 9.225, लंबाई 2339 mm और रेड और ब्लैक। और ये तीन तो हो गया हमारा ब्रेसिंग, तीन क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे फ्रेम बेसिक फ्रेम कितना प्रकार का, तीन प्रकार, 1800, 1200 और 900। तो ये 1800 फ्रेम, 1200 और 900 तीनों के साथ जो साइज है वो लगेगा, क्लियर। और इसको ये डायगोनल में लगेगी, लेकिन ओरिजिनल ब्रेसिंग क्या लगेगी, 2500, जिसका कलर कोड रेड और ग्रीन, लाल और हरा। ये हमारा एच डी टावर 225 का ब्रेसिंग कम्प्लीट, तीन डायगोनल ब्रेसिंग और एक ओरिजिनल ब्रेसिंग। आगे अभी एच डी टावर 152 डायगोनल ब्रेसिंग 18.152, फ्रेम ये भी 1800 के लगेगी, 1800 के साथ लगेगा, ये भी 1800 का, लेकिन ये आयताकार में ये वर्गाकार टावर मिलेगा, इसका लंबाई 2300 और कलर कोड येलो और ऑरेंज, ठीक। और दूसरा 12.152 लंबा, कितनी लंबाई है 1890 mm, येलो। और नंबर सात ब्रेसिंग डायगोनल 9.152 लंबाई 1722 mm, ठीक, और कलर कोड येलो ब्लैक। तो ये तीन ब्रेसिंग हमारी कौन सा हुआ, हल्दी टावर 152, लेकिन इसके साथ भी ओरिजिनल ब्रेसिंग लगेगा तभी टावर खड़ा होगा, उसके लिए क्या ब्रेसिंग है 2152 लंबाई 1525 mm, कलर कोड येलो और ग्रीन। समझ में आए ना, ओके। देखो ये क्या ब्रेसिंग अलग अलग बनाई है, फ्रेम अलग अलग, ये 1800 का फ्रेम लगाया गया, फिर 1200 का, फिर 900 का, ये ट्रेनिंग का सिस्टम है, सब ट्रेनिंग देते सब सबको मालूम होना चाहिए 1800 बेसिक फ्रेम के साथ, इसके ये दर्शा स्केच बनाने के बाद ये समझ में आ जाएगी 1800 क्या है, 1200 क्या है और 900 क्या है। तो हमारा जो फ्रेम खड़ा करते हैं उसके साथ 1800 का फ्रेम लगाया 225 टावर में, तो ये वाला ब्रेसिंग लगेगा, और 1200 वाला लगाए तो दो नंबर वाला लगेगा, और 900 वाला लगाएंगे तो ये नंबर। आप तो बोले नीचे वाला यूज करते ना, आयताकार वर्गाकार करते हैं, ये वाला चलता है, आयताकार सिस्टम सेम है, फ्रेम का हाइट बराबर है, ब्रेसिंग का साइज अलग है, कलर कोड, वो कलर कोड, हाँ कलर कोड लिखने का एक तरीका याद रखो, चार बार रेड लिखो और चार बार इधर इधर ऐसा ही कर, कलर कोड क्यों दिया गया है, क्योंकि ब्रेसिंग को पहचानने के लिए आपको मापने की जरूरत नहीं होती, अगर कलर कोड याद है तो आप तुरंत उठा के उसको इधर चार कर दो, तो उसका तरीका क्या है, ब्रेसिंग है तीन डायगोनल ब्रेसिंग है, लेकिन चार बार रेड रेड लिखा है, एक सिरा चारों ब्रेसिंग का लाल हो, चारों ब्रेसिंग 1800 वाला है, 2505, 2835 वाला लाल और ऑरेंज होगा, और उस वाला 2505 वाला जो 1200 फ्रेम में लगेगा वो लाल और लाल होगा, और 900 फ्रेम में लगेगा वो लाल और ब्लैक होगा, और जो एच ब्रेसिंग है लाल और ग्रीन,
रेड और ग्रीन, लेकिन ये लिखा रेड, ये लिखा इसका, ये तीनों चीज उठा के इधर रख दो, समझ रहे? ये ब्रशिंग आज इसलिए लिखा है कि कलर कोड आपका क्लियर करने के लिए, ऑरेंज रेड ब्लैक ग्रीन, ऑरेंज येलो ब्लैक ग्रीन, ये एक जो बीच वाला है 1200 वाला फ्रेम के साथ रेड और रेड है और येलो है, रेड ऑरेंज येलो ऑरेंज रेड रेड येलो रेड ब्लैक येलो ब्लैक रेड ग्रीन येलो ग्रीन, वो उठा के इधर रख दो, सिर्फ रेड के आगे रेड आएगा।